जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मंच पर उपस्थित उत्कल भूमि के वरिष्ठ नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मेरे मित्र और ओडिशा का प्रतिनिधित्व जो मोदी जी की मंत्रिमंडल में करते हैं, जिनके जिम्मे नई शिक्षा नीति को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा है, ऐसे श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको देश की संसद ने श्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया है, और डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी का लेगेसी को जो आगे ले जा रहे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ सांसद श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, वरिष्ठ साहित्य मेहताब जी, वरिष्ठ साहित्यकार बहन राय जी, और आज कटक की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए सभी उत्कलवासियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं जब भी उत्कल भूमि पर आता हूं तो महाप्रभु को प्रणाम कर भूमि पर पग रखता हूं। मैं देश के पश्चिम के सागर छोर से आता हूं और पूर्व के सागर छोर पर जब उत्कल भूमि पर उतरता हूं तब मुझे बरोबर मन में भक्ति भाव के साथ याद है, अहमदाबाद में भी जगन्नाथ है, पुरी में भी जगन्नाथ। जगन्नाथ ही है जो पूरब से पश्चिम तक समग्र देश को भक्ति और संस्कृति से जोड़कर रखता है, यही महाप्रभु है। भाइयों बहनों, आपके और भोजन के बीच में मेरा भाषण है तो ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल कटक भर्तृहरि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि आजादी के अमृत वर्ष के वर्ष में ये साल है, ये वर्ष है जिन्होंने अपनी जान न्योछावर की देश के लिए, वो आजादी के सभी आंदोलनों वीरों का, स्वतंत्र सेनानियों का स्मरण करने का, जिन जिन संस्थानों ने आजादी के लिए अपना योगदान दिया उसको एक्नोलेज करने का। और मैं आज यहां आया हूं उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और प्रजातंत्र दोनों को प्रणाम कर आजादी में उनके योगदान को नमन करने के लिए आया हूं।